आप देख रहे हैं दखल न्यूज। झुलसते देश के लिए बड़ी खबर, 8 दिन देरी से आएगा मानसून, 22 को मध्य प्रदेश में दस्तक देगा, फिर होगी राहत की बारिश। इस साल फिर चढ़ेगा सियासी पारा, 5 राज्यों में हो सकते हैं विधानसभा चुनाव। बीजेपी ने मांगा मुख्यमंत्री कमलनाथ से इस्तीफा, कहा मध्य प्रदेश के हालात हुए दुर्भाग्यपूर्ण। छत्तीसगढ़ में गहराया बिजली संकट, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा ये सब बीजेपी की साजिश। और मालेगांव ब्लास्ट मामले में साध्वी प्रज्ञा अदालत में पेश, कहा ब्लास्ट के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। देश में चिलचिलाती गर्मी और झुलसा देने वाली तपन के बीच मौसम विभाग ने बड़ी राहत भरी खबर दी है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में मानसून केरल पहुंच जाएगा, हालांकि यह फिर भी इसके तय समय से 8 दिन देरी से केरल पहुंच रहा है। मौसम केरल पहुंचने के बाद धीरे धीरे यह आगे बढ़ेगा और 14-15 तारीख तक महाराष्ट्र और फिर 20-22 जून तक मध्य प्रदेश पहुंचेगा। अगर बात राजधानी दिल्ली की करें तो यह जुलाई के पहले हफ्ते में दिल्ली पहुंचेगा। वहीं मौसम की भविष्यवाणी करने वाला एजेंसी स्काईमेट ने भी कहा है कि मानसून 8 जून तक केरल पहुंचेगा। वरिष्ठ वैज्ञानिक समर चौधरी ने बताया कि दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में मानसून पहुंचने की सामान्य तिथियां जून के आखिरी हफ्ते में पड़ती हैं, लेकिन इस बार यह करीब 10-15 दिन की देरी से यहां पहुंचेगा। और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इस साल मानसून कमजोर रहेगा। हमें उम्मीद है कि मानसून की बारिश करीब 93% रहेगी और औसत से कम है। भारतीय मौसम विभाग का अनुमान है कि इस साल मानसून बिल्कुल सामान्य रहेगा। भारतीय मौसम विभाग 96 से 104% बारिश को औसत या सामान्य मानता है। इसकी गणना वह जून से प्रारंभ होने वाले 4 महीनों में पिछले 50 साल की औसत 89 सेंटीमीटर बारिश से करता है। लोकसभा चुनाव खत्म होने के साथ ही देश में सियासी पारा कुछ कम हुआ है, लेकिन अब इसी साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। इस साल 9 नवंबर को महाराष्ट्र और 2 अक्टूबर को हरियाणा की मौजूदा सरकारों के कार्यकाल समाप्त हो रहे हैं। इन राज्यों के साथ ही दिल्ली और झारखंड के चुनाव भी हो सकते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार का कार्यकाल 22 फरवरी 2020 और झारखंड में भाजपा सरकार का कार्यकाल 5 जनवरी 2020 को पूरा हो रहा है। वहीं चुनाव आयोग संकेत दे चुका है कि जम्मू कश्मीर में भी इसी साल चुनाव करवाए जाएंगे। कुल मिलाकर इन 5 राज्यों में तो इसी साल चुनाव होने वाले हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का बिगुल इस साल बज सकता है। 288 सीटों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में अभी भाजपा शिवसेना की गठबंधन सरकार है। 2014 में भाजपा को 122 तो शिवसेना को 63 सीटें मिली थी। कांग्रेस 42 तो एनसीपी 41 पर सिमट गई थी। इससे पहले 3 बार तक कांग्रेस की सरकार रही थी। लोकसभा चुनाव में जबरदस्त जीत के बाद भाजपा शिवसेना गठबंधन उत्साहित है। हरियाणा विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं। 2014 में भाजपा ने 52 सीटों पर जीत दर्ज करते हुए सरकार बनाई थी। INLD को 19 तो कांग्रेस को 15 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। इसके बाद हुए जिंद उपचुनाव में राहुल गांधी के करीबी रणदीप सुरजेवाला को भी भाजपा के हाथों करारी हार मिली थी। 2019 लोकसभा चुनाव में सभी 10 सीटों पर विजय हासिल होने के बाद भाजपा में जबरदस्त उत्साह है। झारखंड विधानसभा की कुल 81 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए 41 विधायकों की दरकार होती है। भाजपा ने अभी से 60+ का नारा दे दिया है। लोकसभा की 14 में से 12 सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद भाजपा को विधानसभा में यही प्रदर्शन दोहराने की उम्मीद है। इससे पहले 2014 के चुनावों में भाजपा ने 81 में से 82 सीटों पर जीत दर्ज कर ली थी और रघुवर दास सीएम बने थे। झारखंड के अलग राज्य बनने के बाद यह पहला मौका था जब किसी एक दल ने बहुमत हासिल किया हो। राजधानी दिल्ली में लोकसभा चुनाव के नतीजे आम आदमी पार्टी के लिए
खतरे की घंटी है। कुल 70 विधानसभा सीटें हैं और लोकसभा चुनाव के नतीजे बताते हैं कि 65 पर भाजपा का जबरदस्त प्रभाव। 2014 के विधानसभा चुनाव में इतिहास रचते हुए आम आदमी पार्टी ने 67 सीटों पर जीत दर्ज की थी और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि तब से अब तक आम आदमी पार्टी में काफी कुछ हो चुका है। चुनाव आयोग ने बीते मंगलवार को यहाँ की जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के बाद विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। 46 दिनों तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा मासिक शिवरात्रि के दिन 1 जुलाई से शुरू होगी और 15 अगस्त को श्रावणी पूर्णिमा पर इसका समापन होगा। जून 2018 में भाजपा द्वारा पीडीपी से गठबंधन तोड़ लेने के बाद जम्मू एवं कश्मीर में निर्वाचित सरकार नहीं है और राज्यपाल शासन लगा है। ममता बनर्जी और केंद्र सरकार के बीच चुनाव के पहले से चली आ रही तल्खी बढ़ती जा रही है। ताजा मामला, ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को खत लिखकर नीति आयोग की बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया है। यह बैठक इसी महीने की 15 तारीख को होने वाली थी, लेकिन ममता बनर्जी इसमें शामिल नहीं होंगी। मुख्यमंत्री ममता ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी में कहा है कि आयोग के पास कोई वित्तीय अधिकार नहीं है और ना ही दूसरी शक्तियां हैं जिसके दम पर वो राज्यों की योजनाओं के लिए मदद कर सके, इसीलिए इस बैठक में शामिल होना मेरे लिए बेकार है। पीएम मोदी की अगुवाई में फिर से सत्ता संभालने के बाद सभी मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उपराज्यपाल, केंद्रीय मंत्री और अधिकारियों की पहली बैठक 15 जून को होगी। वहीं मोदी की अध्यक्षता में गवर्निंग काउंसिल की यह 5वीं बैठक है। इस बैठक में शामिल होने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को निमंत्रण भेजा गया था। इसके बाद अब मोदी ने इस बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के तुलसी शोध संस्थान में भगवान राम की प्रतिमा का अनावरण किया। शीशम से बनी इस 7 फीट ऊंची प्रतिमा को अयोध्या शोध संस्थान के शिल्प संग्रहालय में स्थापित किया जाएगा। लोकसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहली बार अयोध्या पहुंचे हैं और उन्होंने यहां मौजूद भगवान राम की कोदंड प्रतिमा का अनावरण किया। कर्नाटक के कावेरी कर्नाटक स्टेट आर्ट्स एंड क्राफ्ट एम्पोरियम में बनी इस मूर्ति को काष्ट कला की दुर्लभ कृति बताया जा रहा है। इस पर करीब 35 लाख रुपए खर्च किए गए हैं और बनाने में करीब 3 साल का समय लगा है। योगी आदित्यनाथ ने प्रतिमा के अनावरण के साथ मूर्ति बनाने वाले एमएम मूर्ति को भी सम्मानित किया है। मुख्यमंत्री ने प्रतिमा का अनावरण करने के बाद और भी कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। एमपी बीजेपी अध्यक्ष राकेश सिंह ने कहा, मध्य प्रदेश में दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां बन रही हैं। पानी के लिए अलर्ट जारी हो रहा है, बिजली के लिए इंटेलिजेंस को लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा, कांग्रेस को सरकार चलाना आ नहीं रही है और इसीलिए कमलनाथ को तत्काल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। गृह विभाग द्वारा पानी के लिए अलर्ट जारी करने पर बीजेपी अध्यक्ष राकेश सिंह ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा, एमपी में दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां लगातार निर्मित हो रही हैं। सरकार कुछ समझ ही नहीं पा रही है कि कहीं बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए इंटेलिजेंस तो कहीं पानी के लिए पुलिस लगा रही है। आखिर सरकार चाहती क्या है? सरकार को ये भी नहीं पता कि जनता को राहत देने के लिए मंत्री और सीएम को मैदान में उतरना पड़ता है। व्यक्तिगत हितों में मंत्री और सीएम व्यस्त हैं। मुख्यमंत्री और मंत्री बलाएं टालने की कोशिश कर रहे हैं। राकेश सिंह ने कमलनाथ को फेल बताते हुए उनके इस्तीफे की मांग भी की है। मध्य प्रदेश में दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां लगातार निर्मित हो रही हैं। कहीं बिजली व्यवस्था को सुधारने के लिए ये इंटेलिजेंस को लगा रहे हैं, कहीं पानी के लिए पुलिस को लगा रहे हैं। ये सरकार चाहती क्या है? इस सरकार को ये भी नहीं पता कि चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए, जनता को राहत देने के लिए मंत्रियों को, मुख्यमंत्री को स्वयं मैदान पर उतरना पड़ता है, स्वयं कष्ट उठाना पड़ते हैं, उनके तकलीफ़ों की जानकारी लेना पड़ती है और उसके आधार पर निर्णय करना पड़ते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है, ये व्यक्तिगत हितों की चिंता में ही ये पूरे तौर पर लगे हैं और इसलिए जिसको सीधे तौर पर हम कहते हैं, हमारे यहाँ बोलचाल की भाषा में क्या कहा जाता है, बलाय टालना, ये वही विषय है कि हमारे ऊपर आई कोई भी बात को हम दूसरों पर थोप दें। अब पुलिस पे आप थोप रहे हो, करना आपको क्या चाहिए? करना आपको यह चाहिए कि पानी की व्यवस्था दुरुस्त कैसे हो सकती है उस पर आप विचार करें, बजाय इसके कि आप राशनिंग करें। मध्य प्रदेश में ऐसी खराब हालत इसके पहले कभी नहीं रही। पूरा का पूरा मामला सरकार के मैनेजमेंट का है और जिसमें ये सरकार पूरे तौर पर असफल है और इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि कमलनाथ जी को तत्काल मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना चाहिए।
अस्पतालों में बिजली जाने के मुद्दे पर मंत्री तुलसी सिलावट बैठक ले रहे थे। चिंतन हो रहा था कि अस्पताल में बिजली न जाए, बैकअप हो। बैठक चल रही थी कि अचानक बिजली गुल हो गई। बिजली कंपनी अधिकारियों के होश फाकता हो गए और मंत्री सिलावट नाराज हो गए। मीटिंग कक्ष मोबाइल टॉर्च से रोशन हुआ। अफसर अधीनस्थों को फोन लगाने लगे, तब जाकर 8 मिनट के बाद बिजली लौटी। मंत्री सिलावट की नाराजगी अधिकारियों पर निकली। बोले, ये देखो आपके सामने ही बिजली गुल हो गई। कांग्रेस के शासन में ऐसा क्यों हो रहा है जबकि प्रदेश में बिजली सरप्लस है। भीषण गर्मी से परेशान लोगों को बिजली कटौती ने हालाकान कर रखा है, लेकिन सरकार यह मानने को तैयार ही नहीं है कि बिजली कटौती हो रही है। इंदौर में स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट अस्पताल में बिजली की अल्टरनेट व्यवस्था बनाए रखने के लिए निर्देश दे रहे थे, तभी अचानक बिजली चली गई और सरकार को समझ में आ गया कि बिजली की कटौती एक कड़वा सच है। मोबाइल टॉर्च की रोशनी में मंत्री जी की बैठक शुरू हुई। मंत्री सिलावट की नाराजगी अधिकारियों पर निकली। बोले, ये देखो आपके सामने ही बिजली गुल हो गई। कांग्रेस के शासन में ऐसा क्यों हो रहा है जबकि प्रदेश में बिजली सरप्लस है। अधिकारियों ने कारण बताया कि खंडवा रोड की ग्रिड पर फॉल्ट हो गया है, इसीलिए बिजली गई है, जल्दी ही आ जाएगी। बिजली आने के बाद बैठक आगे बढ़ी। मंत्री सिलावट ने MYH या सरकारी अस्पतालों में बिजली जाने पर 10 मिनट से 1 घंटे के अंदर इसे सुधारे जाने का निर्देश दिया। स्वास्थ्य मंत्री ने पिछले दिनों 3 घंटे बिजली जाने से MY अस्पताल में हुई अफरा तफरी पर बात की। उन्होंने कहा, यहाँ पर 1500 से लगभग मरीज भर्ती रहते हैं, इनके इलाज में कोई कमी ना रहे इसकी आपकी जिम्मेदारी है। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक तरफ गर्मी तो दूसरी तरफ बिजली कटौती। इस समय छत्तीसगढ़ में भी बिजली की अघोषित कटौती से लोगों का बुरा हाल है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे BJP साजिश करार दिया है। छत्तीसगढ़ में बिजली की अघोषित कटौती को लेकर अब राजनीति भी उफान पर है। जहां भाजपा ने इसे सरकार की नाकामी करार दिया है, तो वहीं मुख्यमंत्री ने एक हास्यप्रद बयान में इसे भाजपा की साजिश करार दे दिया है। दूसरी ओर भरी गर्मी में भरी दोपहर और रात में घंटों बिजली गुल होने से प्रदेश में सरकार को लेकर लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। सीधी बात है कि यदि बिजली सरप्लस है, हमने कोई किसी प्रकार के कोई उत्पादन में कोई कमी नहीं की। पिछली सरकार की जितनी थी अभी भी है, उत्पादन बराबर हो रहा है। यदि पिछली सरकार में पहुंच रहा है और अभी नहीं पहुंच रहा है, इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग यहाँ घुसे हुए हैं, वही लोग गड़बड़ी कर रहे हैं, जिसके कारण से स्थिति निर्मित हो रही है। जानबूझ के गड़बड़ी पैदा की, जानबूझ के किया जा रहा है। अब सस्पेंड करें उसमें भी दिक्कत है बीजेपी को, सस्पेंड क्यों कर रहे हैं लोग? तो फिर उन्हीं के लोग हैं जो मदद कर रहे हैं, जिसमें तकलीफ हो रही है। यदि प्रशासनिक कसावट ला रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी तकलीफ क्यों हो रही है? दोनों बात कैसे हो सकती है? यदि अधिकारी गलत कर रहे हैं और उस पर कार्रवाई हो रही है, तो उसका भारतीय जनता पार्टी स्वागत करना चाहिए। नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह ने GIS स्टूडियो के शुभारंभ के अवसर पर कहा, अमृत योजना के तहत प्रदेश के 34 शहरों के विकास कार्यों की मॉनिटरिंग GIS के माध्यम से ही की जाएगी। साल के अंत तक भोपाल का मास्टर प्लान आ जाएगा। सरकार का लक्ष्य है हर नागरिक को पानी का अधिकार मिले। जयवर्धन ने वाटर राइट का अधिकार लागू करने की भी बात कही। GIS स्टूडियो के शुभारंभ के अवसर पर पहुंचे नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह ने कहा, अमृत योजना के तहत प्रदेश के 34 शहरों के विकास कार्यों की मॉनिटरिंग GIS से की जाएगी। पानी को लेकर हम वाटर ऑडिट करेंगे। जयवर्धन ने कहा कि साल के अंत तक भोपाल का मास्टर प्लान तैयार कर लिया जाएगा। हमारी मंशा सबको पर्याप्त पानी उपलब्ध कराना है। गृह विभाग के द्वारा जल संकट पर पुलिस के लिखे पत्र पर मंत्री ने कहा, गृह विभाग की हमेशा यह कोशिश रहती है कि कानून व्यवस्था न बिगड़े, पर हमारी कोशिश है हर नागरिक को पानी का अधिकार मिले। इसके लिए साल के अंत तक वाटर राइट का अधिकार लागू होगा। इस बार जितनी गर्मी पूरे प्रदेश देश में रही है, साथ में जो कम बारिश इस बार हुई थी,
इन दोनों चीज़ों के कारण जल संकट पूरे प्रदेश में है, साथ में देश में भी है। लेकिन आपने ये खबर पढ़ी होगी कि लगभग इस साल हमने पिछले साल की तुलना में कम टैंकर्स का उपयोग किया है, क्योंकि हमारा ये प्रयास रहेगा कि जो जल के स्रोत हर शहर में हैं, उन स्रोतों के माध्यम से ही हम हर शहर में, हर मोहल्ले में पानी की आपूर्ति करना चाहते हैं। इस पर मैं आप सबको अर्ज करना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने हमको निर्देश दिए हैं कि पानी का अधिकार भी हमको मध्य प्रदेश के हर नागरिक को देना होगा। इसके लिए हम अभी से मध्य प्रदेश के 378 नगरीय निकायों में हम वाटर ऑडिट करवा रहे हैं इंडिपेंडेंट एजेंसी से, जिसमें हमको इस बात की जानकारी मिलेगी कि हर शहर में वर्तमान में कितने ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर पानी की लाइन है। साथ में क्या हर शहर में ऐसा पानी का स्रोत है जिसमें। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बाला बच्चन ने छोटे बड़े मामलों से निपटने के लिए पुलिस व्यवस्था को दुरुस्त करने के साथ चौकन्ना बनाने की योजना बनाई है। गृह मंत्री का मानना है कि छोटे मामलों पर अंकुश लगाया जाना जरूरी है। भोपाल से लेकर प्रदेश के छोटे और बड़े किसी भी शहर में होने वाले अपराधों की रोकथाम के लिए गृह मंत्री बाला बच्चन ने पुलिस महकमे को चौकन्ना बनाने की योजना बना ली है। गृह मंत्री बाला बच्चन का मानना है कि अगर थानेदार से लेकर सिपाही तक को छोटी मोटी घटनाओं की जानकारी होगी तो उन्हें रोका जा सकता है। लिहाजा इसके लिए पुलिस को एक बार फिर रिचार्ज करने की जरूरत है, जिसे कमलनाथ सरकार अंजाम देने में लगी हुई है। गृह मंत्री का मानना है कि छोटी वारदातों पर किसी का ध्यान नहीं जाता है और वहीं से बड़ी वारदातें शुरू होती हैं, इसीलिए लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने की जरूरत है। थानों में जो पदस्थ होते थे, मतलब इंस्पेक्टर के अलावा सब इंस्पेक्टर और उनके बाद वाला जो पूरा जो तंत्र होता था, उनके पास एक कसावट और उनके पास जो एक फीडबैक होता था और काम करने के लिए जो पूरी एक सब तरह से वो चौकन्ने होते थे, हम उसको वापस कसना चाहते हैं। वापस वो थानेदारों को, उनके बाद की वाली टीम को सब पूरी जानकारी रहे और उसके बाद फिर उसका फीडबैक ऊपर तक पहुंचे और उसमें लॉ एंड ऑर्डर का अगर छोटी सी चिंगारी कहीं पर मतलब पैदा होने की अगर गुंजाइश है और वो थानों को अगर जानकारी है, वहाँ के कर्मियों को अगर जानकारी है और उसको अगर वो नहीं रोक पाते हैं तो फिर वो बाद में बड़ा रूप धारण कर लेती है। तो लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से कसा हुआ हो, पूरा हम लोगों के कंट्रोल में हो और कहीं भी अगर छोटी मोटी बात कोशिशों के बावजूद भी अगर शुरू होती है तो तत्काल हमारा पुलिस फोर्स और कानून वहाँ पर पहुँच जाए। 2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस में आरोपी भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर इस मामले में आज स्पेशल एनआईए कोर्ट में पेश हुई। खराब सेहत का हवाला देकर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर गुरुवार को मुंबई की एनआईए कोर्ट में पेश नहीं हुई थी। मालेगांव ब्लास्ट के मामले में साध्वी ने अदालत से कहा, इस बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। साध्वी प्रज्ञा आज स्पेशल एनआईए कोर्ट में पेश हुई। कल उनके वकील ने कोर्ट को बताया था कि वो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से यात्रा नहीं कर सकती हैं, ऐसे में उन्हें पेशी से छूट दी जाए। इस पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताते हुए उन्हें व्यक्तिगत तौर पर पेश होने को कहा था, जिसके बाद आज वो पेशी के लिए मुंबई पहुंची। कोर्ट में सुनवाई के दौरान एनआईए के स्पेशल जज ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर से पूछा कि अब तक इस मामले में जितने भी चश्मदीदों के बयान हुए हैं उसके मुताबिक एक बात साफ हुई है कि 29 सितंबर 2008 के दिन एक धमाका हुआ था जिसमें कई लोगों की जान गई थी, इस बारे में आपका क्या कहना है। इस पर साध्वी प्रज्ञा ने जवाब दिया कि मुझे कुछ नहीं मालूम। सुनवाई के दौरान स्पेशल जज ने उनसे पूछा कि क्या आपको ये पता है, ये आपके वकील ने बताया है कि आप तक इस केस में अभियोजन पक्ष ने कितने गवाहों का परीक्षण किया है। इस पर भी साध्वी ने एक ही जवाब दिया कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। गुरुवार को जैसे ही इस केस की मुंबई की स्पेशल एनआईए कोर्ट की कार्यवाही शुरू हुई, प्रज्ञा के वकील प्रशांत मांगू ने विशेष जज बीएस पांडलकर के सामने अपनी मुवक्किल की व्यक्तिगत पेशी से छूट की अर्जी दाखिल की। उन्होंने कोर्ट को बताया कि प्रज्ञा हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं और वो भोपाल से मुंबई की यात्रा करने में असक्षम हैं। इस पर जज ने गुरुवार को पेशी से छूट मंजूर
करते हुए कहा कि उन्हें किसी भी सूरत में शुक्रवार को पेश होना होगा, वरना इसके नतीजे भुगतने होंगे। एनसीएल ने जब से आदिवासियों की जमीन उत्खनन के लिए निजी कंपनी अडानी इंटरप्राइजेस को दी है, तब से नाराज आदिवासियों ने लौह नगरी किरंदुल में जंगी प्रदर्शन करने का मन बना लिया है। आदिवासियों की आस्था का केंद्र रहे किरंदुल की 13 नंबर की पहाड़ी को बचाने करीब 200 गांव के आदिवासी पैदल पहुंच गए हैं। इस पूरे मामले में एनएमजीसी के सीएमडी एन विजेंद्र कुमार पर अडानी को चोरी छिपे पहाड़ी सौंपे जाने का आरोप भी लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि बेलाडीला की पहाड़ी श्रृंखलाओं में मौजूद लौह भंडार से जहां नवरत्न एनएमडीसी 60 वर्षों से उत्खनन कर अरबों रुपए की कमाई कर चुका है, वहीं दूसरी ओर बेलाडीला की पहाड़ियों में मौजूद बहुत से आदिवासी परिवार आज भी 2 जून की रोटी के लिए तरस रहे हैं। आदिवासियों की आस्था का केंद्र रहे किरंदुल की 13 नंबर की पहाड़ी को बचाने करीब 200 गांव के आदिवासी पैदल पहुंच रहे हैं। आदिवासियों का कहना है कि उसमें उनके समुदाय की इष्ट देवी का वास है, जिसकी पूजा की जाती है। क्रमांक 13 में उत्खनन विरोध में संयुक्त पंचायत जन संघर्ष समिति के आह्वान पर लौह नगरी किरंदुल में आदिवासी जंगी प्रदर्शन को अंजाम देने हड़ताल पर उतर आए हैं। एनएमडीसी के सीएमडी एन विजेंद्र कुमार पर सीधे आरोप लगाया जा रहा है कि आदिवासी की भावना को दरकिनार करके सिर्फ लाभ के लिए पहाड़ी के खनन के लिए अडानी कंपनी को दे दी गई है। समिति के सचिव राजू भास्कर ने चर्चा के दौरान बताया कि इस बार आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। आंदोलन अनिश्चितकालीन है, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। उन्होंने बताया कि दंतेवाड़ा के 4 ब्लॉक के साथ साथ बीजापुर आदि इलाकों से भी हजारों आदिवासी आस्था के प्रतीक को बचाने किरंदुल पैदल पहुंच रहे हैं। किरंदुल में एनएमजीसी के प्रशासनिक भवन के निकट सीआईएसएफ बैरक में धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। मुश्किल से 2000 लोग हैं, वो भी ज्यादातर किरंदुल के रहने वाले हैं। ज्यादातर लोगों को जहां तक अडानी के माइंस का डिपोजिट 13 के विरोध की बात है, सबको संवैधानिक अधिकार है, कोई भी आदि प्रोटेस्ट कर सकते हैं। प्रोटेस्ट का एक नियम होता है कि एसडीएम से जाके कलेक्टर से जाके पहले परमिशन लिया जाता है। इस मीटिंग के लिए कोई परमिशन नहीं दिया गया, कोई इंटीमेशन दिया गया। हमारी अभी किसी भी तरह से रोड को ब्लॉक किया गया, रेल लाइन को ब्लॉक किया गया, आगे नहीं की गई तो कार्रवाई की जाएगी। लगातार 12 ड्रोन ऊपर उड़ रहे हैं, कम से कम 50 सीसीटीवी लगे हुए हैं, 400 स्पॉटर्स लगे हुए हैं। कोई भी मिलिशिया कमांडर, मिलिशिया कमेटी जो भी नामजद है, आरोपी है क्राइम में, यदि वो मिलता है तो उसको गिरफ्तार किया जाएगा, माननीय न्यायालय में आज ही पेश किया जाएगा। निश्चित रूप से यदि शांतिपूर्वक किया जाएगा तो पुलिस का समर्थन रहेगा, लेकिन यदि किसी भी तरह से व्यवधान फैलाया जाएगा तो उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। 10,000 से भी ज्यादा आदिवासियों ने किरंदुल पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। 13 नंबर की पहाड़ी को अडानी की कंपनी को कथित तौर पर चोरी छिपे तरीके से खनन के लिए सौंप दिए जाने के बाद बेलाडीला की लौह अयस्क की पहाड़ी तपने लगी। तपिश का प्रभाव इस कदर बढ़ गया है कि आदिवासियों ने उस पहाड़ को ही घेरना शुरू कर दिया है, जिसे अडानी को सौंपा गया है। एनएमडीसी से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि प्रदर्शन की वजह से परियोजना के उत्पादन क्षमता में प्रभाव पड़ेगा। उत्पादन प्रभावित होने से करोड़ों रुपए की आर्थिक क्षति की संभावना है। छतरपुर में 2000 की रिश्वत लेते पटवारी को लोकायुक्त की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा है। इस पटवारी के घूसखोरी के किस्से आम हैं और लंबे अरसे से लोकायुक्त को इसकी शिकायतें मिल रही थी। छतरपुर की घुवारा तहसील में पदस्थ सदर पटवारी नोने लाल बुनकर उस समय सागर लोकायुक्त टीम के हत्थे चढ़ गए जब वह अपने ऑफिस में किसान तुलसी राम लोधी से 2000 की रिश्वत ले रहे थे। इस पटवारी ने किसान तुलसी राम सहित कई किसानों को पैसे के लिए परेशान कर रखा था, लेकिन कोई इसके खिलाफ सबूत देने के लिए तैयार नहीं था। ऐसे में पीड़ित किसान ने लोकायुक्त को इस मामले की शिकायत की। सागर लोकायुक्त की टीम ने घूसखोर पटवारी को रंगे हाथों पकड़ लिया। आरोपी पटवारी किसान तुलसीराम लोधी के खेत के बंटवारा के बाद बंधी बनाने के एवज में 2000 की रिश्वत मांग रहा था। निवासी घुवारा ने हमारे यहाँ के कंप्लेन किया हुआ था कि घुवारा का जो पटवारी है नूनेलाल बुनकर, उसके द्वारा उसके और उसके भाई की शामिलाती बंटवारा हुआ है, तो उसकी बंदी सेपरेट बनाने के लिए 2000 रुपये की रिश्वत की मांग कर रहा था, जो आज उसको 2000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। उसकी कार्रवाई चल रही है। अपने भुआरा तहसील में बंटवारे का आवेदन लगाया, बंटवारा का आवेदन लगा तो तहसीलदार महोदय ने बंटवारा पेश कर दिया, आदेश कर दिया पटवारी जी को।
पटवारी जी को आदेश किया, पटवारी 3-4 फीसदी पर पैसा के निपटा दे रहे, अब कह देंगे फायदे दे देंगे, अब दे देंगे, अब दे देंगे, 3-4 फीसदी में फायदे नहीं उसकी। फिर मैंने पकड़ के जबरदस्ती उन्होंने भैया पैसा ले लो, 1000 रुपये देने में मत पटवारी की फायद केस की। लेकिन नियम ये है कि विद तरबीन के केस करना चाहिए, तो उसने तरबीन पैसा न देने पर तरबीन केस नहीं की उसने। फिर मैंने कहा पटवारी जी आप बंदी बना दीजिए, तो बंदी बनाने को 2000 रुपये की मांग की थी, 2000 रुपये दो जब मैं बंदी बनाया थी। मैंने लोक आयुक्त विभाग सागर शिकायत की कि हमारे 2000 रुपये में बंदी बन रही है। तब उनने हमको रिकॉर्डिंग के लिए फ़ोन दिया, मैं रिकॉर्डिंग की 2000 की, जब मैंने आज 2000 रुपये दिए लोक आयुक्त की मुझे पकड़ लिया। जबलपुर में भीषण गर्मी के चलते 6 माह के मासूम की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि जिला प्रशासन ने अतिक्रमण के नाम पर उनके मकान तोड़े और उनको शहर से दूर विस्थापित कर दिया। विस्थापितों को सड़क, पानी और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं तक नहीं दी जा रही हैं, जिसके कारण मासूम की गर्मी की वजह से मौत हो गई है। नेता और अधिकारी एसी में बैठकर भीषण गर्मी से बचने की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। उधर भीषण गर्मी ने एक 6 माह के मासूम की जान ले ली है। मामला जबलपुर के तिलहरी बस्ती में विस्थापितों का है। इन लोगों का आरोप है कि जिला प्रशासन ने अतिक्रमण के नाम पर उनके मकान तोड़े और उनको शहर से दूर खदेड़ दिया। गौरतलब है कि कुछ माह पूर्व मदन महल पहाड़ी से शासन ने हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देकर यहां रह रहे लोगों के मकान तोड़ दिए, जिसके बाद इन विस्थापितों को तिलहरी में बसा दिया गया। मायके अच्छा वाला लड़का था वो, उसकी अचानक तबीयत खराब हो गई, लू लग गया। गांव में है जी, बच्चे कैन उड़ के आ गया, माई शादी हुई थी उधर रहवा देगा, यहाँ मायका है उनका, तो इधर आई। इस प्रचंड गर्मी में यहाँ ना तो पीने के पानी की व्यवस्था है और ना बिजली और ना सड़क है। ऐसे में यहाँ रह रहे लोगों का जीना मुहाल हो गया है। विस्थापित गरीब बिजली, पानी और छत के बिना इस भीषण गर्मी में रहने को मजबूर हैं, जिसके चलते मासूम की मौत हो गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पूर्व में भी गर्मी के चलते 2 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। मदन महल पहाड़ी से हजारों की संख्या में विस्थापित कर तिलहरी में बसाए गए लोगों की हालत आज की डेट में 46 डिग्री टेम्परेचर है, उसके कारण लोगों की हालत बहुत ज़्यादा। लोग पन्नियों के सहारे यहाँ पर रह रहे, प्रशासन ने आज तक कोई व्यवस्था नहीं की। प्रशासन आता जरूर है, अभी कलेक्टर साहब आए थे, उन्होंने कहा कि हम जल्द ही इसकी व्यवस्था करेंगे, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं करी। आज 6 माह का बच्चा लू लगने से ख़त्म हो गया, एक्सपायर हो गया। एक बुजुर्ग मेडिकल में सुरात में ले जाते समय मेडिकल में एक्सपायर हो गया। अत्यंत तो गर्मी, भीषण गर्मी के कारण यहाँ पे कोई व्यवस्थाएं नहीं है, प्रशासन को व्यवस्था करना चाहिए। कमिश्नर साहब आए थे, उनसे हमने अनुरोध किया था कि छोटे छोटे डोम बना दें, जिससे कि बच्चे तो कम से कम वहाँ रह सके, बड़े तो कुछ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। आप जर्जर भोपाली सुनाएंगे आपको भैरन समाचार। नमस्कार, भैरन समाचार में आपको वेलकम कर रहा हूँ। मैं हूँ जर्जर भोपाली। और कल्याण भाई, ये तो गर्मी है ना, लपक के पड़ रही, 65 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए। प्री मानसून में कुछ बारिश ही नहीं हुई, बताओ। ये दिमाग चटके जा रहे लोगों के, बता रहा हूँ। अब ये गर्मी पड़ रही है, बता रहे हूँ, लोग हैं नए नए हैं ना तरीके इससे निपटने के ढूंढ रहे हैं। सिंगापुर में बस की छत पे ही ने पेड़ उगा दिए, उससे 5 डिग्री टेम्परेचर कम हो गया, बता रहे हूँ। हमें भी ऐसे कुछ सोचना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ पेड़ लगाओ भैया, जो पेड़ काटे जा रहे हो ना, वो जो गाड़ियाँ बढ़ा रहे हो, पोल्यूशन बढ़ा रहे हो, उससे है ना यही होने वाला है। आगे चल के है ना पिघल जाएंगे भाई, सड़क पर निकले भाई पिघल गए 2 आदमी, ये सी खबरें आएंगी फिर। हाँ भैया, खबर ये देख लो, ये पाकिस्तानी अपनी ये पुरानी आदतों से बाज नहीं आता, पूरे बदतमीजियाँ हैं बर्दाश्त, इनको चलते ही रहता है बदतमीजियाँ। ये भाई इफ्तार पार्टी हो रही थी भारतीय उच्चायोग में, वो वहाँ पे मेहमानों से बदतमीजी कर दी, बताओ इनने। और मेहमान भी तो इनके ही होंगे, इनको शर्म आती नहीं, बता रही। ये रमजान का महीना चल रहा है, ये थी हरकतें कर रहे हैं। और ये खबर ये देख लो, कर्मचारी भविष्य निधि में आदमी अपना किया पूरी मेहनत करता है जिंदगी भर, ये पैसा इकट्ठा करता है, और उसके एक अधिकारी के यहाँ छापा पड़ा, बता CBI का, ये 5 लाख निकले, बता रहे हैं। ये कुछ तो मतलब क्या समझ नहीं क्या चल रहा है। और बिहार में देख लो आप, बिहार में जो नीतीश कुमार है उनने बदला ले लिया, उनको वहाँ सेंटर में वो नहीं मिली मिनिस्ट्री उनकी पार्टी को, JDU को, तो इन्होंने अभी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था वहाँ पे बिहार में, तो इन्होंने भाजपा को कोई सीट नहीं दी अभी, ये तो चल रहा है।
48। हाँ, और ये खबर ये देख लो, दक्षिण चीन सागर में और ताइवान में ये जो अमेरिका का इंटरफियरेंस बढ़ रहा है और चीन भुनभुना रही है इस पर, और चीन की दादागिरी चल रही है तो वो उसको ख़त्म होने वाली है। उस चक्कर में चीन कह रहा है अगर अमेरिका से युद्ध हुआ तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ ये तो काम लालच वाले काम करते क्यों, ये अपना अपने देश में काम करो, अपनी अपनी जगह पर रहो तो युद्ध नहीं हो। हाँ, और ये खबर ये देखो लोकल खबर, JP हॉस्पिटल में फर्स्ट पे डिलीवरी हो गई। और मैं बता रहा हूँ डॉक्टर हैं ये, नर्स हैं ये लोग, ये जल्लाद हो रहे हैं क्या ये? अरे कुछ तो ईमान रखो अपना, ये बता रहे हैं ये ऐसी ऐसी खबरें आ रही है। ये लोगों के भले करने के लिए तुम्हारी ड्यूटी लगाई है वहाँ पे, कुछ तो देखो। और वर्ल्ड कप में तो देखो ऐसे लपक के बांग्लादेश ने ऐसा आगाज किया, 330 रन ठोक दिए कल, और साउथ अफ्रीका को निपटा दिया, बता रही हूँ। और साउथ अफ्रीका तो बेचारा ये अभी ये दो मैच हार चुका लगातार, वो अभी तीसरा इंडिया से होने वाला है 5 जून को, वो भी पर्यावरण दिवस मनाएंगे इंडिया वाले, बता रहे हूँ। हाँ, इनका बुरा हाल हो रहा है। और मैं भी चला भैया मैच देखने, अब टाइम हो गया। नमस्कार। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।